आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, तुम्हारा क्वेश्चन ये दिया गया है कि रिएक्शन MnO2 और HCl के बीच में किया गया है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया, और ये ऑब्जर्व किया गया कि एक गैस है जो रिलीज हो रही है, जिसकी ब्लीचिंग एबिलिटी है, मतलब फैब्रिक से स्ट्रेन रिमूव करने की टेंडेंसी या कलर को रिमूव करने की टेंडेंसी। क्या होगा यदि हम ड्राई HCl गैस लें, इट इज टेक इंस्टेड ऑफ द एक्वस HCl गैस। एक्चुअल में अगर हम रिएक्शन की बात करें कि क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो MnO2 जो होता है वो रिएक्ट करता है आपका HCl एक्वस के साथ, और ये फॉर्मेशन करता है MnCl2 जो कि सॉल्ट है, प्लस Cl2 प्लस वाटर। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो HCl है, एक्वस HCl, ये एक्चुअल में डिसोसिएट हो रहा है किसमें, H+ में। तो यहाँ से H+ निकल रहा है, और ये H+ जब MnO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये जो Cl- डिसोसिएट हुआ है ये Mn के साथ मिलके MnCl2, और जो क्लोरीन बच रहा है वो क्लोरीन गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो रही है। लेकिन यदि हम लोग ड्राई HCl लेते हैं तो क्या होगा? तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं इसका MnO2 के साथ, और यहाँ पे हम HCl लेते हैं ड्राई, तो इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि ड्राई HCl जो होता है वो डिसोसिएट ही नहीं होता है, और जब ड्राई HCl डिसोसिएट नहीं होगा तो ये H+ आयंस भी नहीं देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन जो होगा वो फर्दर प्रोसीड ही नहीं करेगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन से आराम से कह सकते हैं कि ड्राई HCl अगर यूज करेंगे तो रिएक्शन होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे, दैट इज रिएक्शन विल नॉट अकर। दिस इज द आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।